गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आशा आशा करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं सुबह के साथ साथ अपना जो चाय होती है वो पी चुकी हूँ। और अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो चुका है। नहाने के बाद मैं पूजा पाठ कर कर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हरि ओम हरि हरि ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गर्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो गाइस, अब हमारे लड्डू गोपाल जी की बारी है। अब इनको स्नान कराएंगे। हमारे लड्डू जी स्नान करेंगे। स्नान करेंगे। देखिए गाइस, हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान करते हुए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अभी स्नान कर चुके हैं गाइस, अभी इनके वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ इनको तैयार करने के बाद। तो गाइस, पूजा पाठ करने के बाद अब मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने जा रही हूँ। जो है, देखिए मेरे जल में क्या है, चावल के दाने, थोड़े से चीनी के दाने और थोड़ा सा सिंदूर। तो मैं ये जल देती हूँ, ये सब डालकर। तो गाइस, मेरा कहना तो ये है ना कि आप सभी लोग ना सुबह उठ के जल जरूर दीजिए। जल जो देने से ना क्या होता है, जो हमारा सूर्य होता है ना, एक्टिव होता है, अच्छा हो जाता है। और दूसरा, हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती। सूर्य देव भगवान से हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब मिलता है। सबसे ज़्यादा जरूरी मान सम्मान है, उसके बाद है काम, उसके बाद धन। क्योंकि मान सम्मान होगा तभी काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तभी धन मिलेगा। तो गाइस, मैं तीसरी मंजिल पे जल देने जा रही हूँ। मुझे ना थकावट हो जाती है, क्यों ऊपर चढ़ना कोई अब तो मेरे बस की बात नहीं। तो गाइस, मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अब मैं जल दूंगी, तो देखिए मुझे जल देते हुए। तो गाइस, मैं जल दे चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी तुलसी जी को जल देने। तो ये मेरी तुलसी माँ है, मैंने जल देती हूँ सुबह सुबह। तो मैं जल देने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मैं तुलसी माँ को जल दे चुकी हूँ। अब मैं इधर गणपति जी के पौधे में भी जल डालती हूँ। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। जय हो। देखिए गाइस, कितना सुंदर फूल खिला है गणपति जी के पौधे में। एक मिनट दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, कितना सुंदर वाइट कलर का फूल है। जो हाथी की सूंड होती है ना, उसके जैसे ही ये फूल खिला होता है नीचे को जाकर। कल बारिश हुई थी तो उसके कारण ना मेरी प्लांट्स को पानी मिल गया है। ये जो दिखाया था मैंने आपको जेड प्लांट, इसकी तो काफ़ी सारी लंबी शाखाएं हो चुकी हैं। और ये देखिए, एक फूल खिला हुआ है, एक यहाँ खिला हुआ है, ये रात की रानी। और ये पत्थरचट या फिर तराशुला कुछ बोलते हैं इसको। और ये जो कांटे वाला पौधा है, इसको तो मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं गाइस। ये भी रात की रानी, ये वाइट कलर में है। और ये ना, मैं पंछियों को पानी रखती हूँ यहाँ पीने के लिए। अब तो सर्दियाँ आ चुकी है, नहीं तो। तो गाइस, अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये जो है ना, ये स्टोर है हमारा, स्टोर रूम बना हुआ है। अब यह ना गाइस, यहाँ ग्रिल लगानी है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, ये सिर्फ 2-2.5 फुट की स्पेस है यहाँ जाने के लिए स्टोर तक, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रिल लगेगी। कब लगेगी ये कोई पता नहीं है, जब कभी पैसे हुए तो लगवा लेंगे। अभी तो नीचे की तरफ जाती हूँ, कल बारिश हुई थी गाइस, तो ना मैंने धोना पड़ेगा मुझे ये सारा बरामदा, क्योंकि गीला हुआ पड़ा है बारिश के कारण। मेरी बेटी सो रही है यहाँ पर गाइस, इसको उठाती नहीं हूँ मैं अभी। तो गाइस अब ब्लॉग बताना कैसा लगा आपको, मैं डालूंगी आप ज़रूर देखना, मगर आप गाइस स्किप करके मत देखिए, फुल वीडियो देखिए प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप फुल वीडियो देखते हो ना तो पता लगेगा आपको कि मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो गाइस अब सारा काम पूजा पाठ का ख़त्म हो चुका है, अब मैं चाय पीऊँगी बनाकर, क्योंकि आदत है एक सुबह चाय पीती हूँ उसके बाद मैं पूजा पाठ करने के बाद, और फिर मैं करूँगा घर का काम। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट नहीं करते ना तो मुझे पता भी नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।